अजान होती है और कुत्ते भौंकने लगते हैं, इसके बारे में कोई है क्या कि अगर किस लिए, अगर कोई कुरान हदीस से कोई रिलेटेड इसके बारे में क्यों भौंकते हैं? नहीं, इसके 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 बारे में मुझे ऐसी किसी भी दलील का इल्म नहीं है कि अजान होते वक्त कुत्ते क्यों भौंकने लगते हैं। अलबत्ता जब अजान होती है तो शैतान भागता है, जैसा कि हदीस के अंदर आया है। लेकिन कुत्तों का भूखना एक नॉर्मल बात है, हमारे यहाँ तो नहीं भूखते हैं। जैसे मैं जहाँ पे हूँ, मैंने तो नहीं सुना कि अजान होने लगे तो खास तौर से अजान के वक्त कुत्ते भूखने लगे। अब कुत्तों को भूखना है, जब उनकी मर्जी होगी तब भूखेंगे, नहीं शेख, उसका अजान बहुत से कोई ताल्लुक नहीं है। अजान एक शेख हमारे तरफ अच्छा हर जगह मैंने सुना भी है, बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं, जब भी अजान होती है और कुत्तों का भाई भौंकना शुरू होता है देखिए, और कोई गाड़ी लेकर के गुजरता है, गाड़ी की आवाज होती है, कुत्ते भूखने लगते हैं। कोई शोर शराबा सुनते हैं, कुत्ते भूखने लगते हैं। तो अजान की आवाज भी अगर लाउड स्पीकर में दे रहे हैं तो तेज आवाज होती है, तो हो सकता है उसकी वजह से भूखने लगते हो। शेख वरना इससे इस सिलसिले कोई में मुझे किसी किसी दलील का इल्म नहीं है, अल्लाह आलम। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो लोग शैतान को देखते हैं भागते हुए, शायद इस वजह से भागते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है ना शेख? इस तरह की कोई दलील नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि अजान की आवाज सुन करके शैतान भागता है।